महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बृहस्पतिवार को वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि को बैच लगा और बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश सिंह ने मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर आप खेल को खेल की भावना से खेलते हैं तो उससे संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य ना खोएं, इसकी सबसे बड़ी सीख खेल से ही मिलती है। इस संबंध में गौरवपूर्ण संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, दो दो उपाचार्य एक बैच लगाकर और बुके देकर, यह बुके नहीं बल्कि ये छुपे हैं। यहाँ न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न कोई जाति है न कोई धर्म है। यह शांति का प्रत अच्छे से निकल आई थी, लेकिन इस समय फिर वह संयोजित कर रहे हैं, वह भी आगे बढ़े। प्रतीक के हाथों में हरा ध्वज जो हरियाली का प्रतीक है, अभय कुमार के हाथ में पीला ध्वज यानी मंगल का प्रतीक। शांति चारों तरफ शांति फैलाते हुए एंड नेवी ब्लू कलर का नों को अपने अंक में समेट लेता है। ये बिगल सभी शिक्षक बंधुओं का भी स्वागत है, बधाई है कि आज ये एक विशेष दिवस है महाविद्यालय के लिए। अनेक अनेक परेशानियां आती है, फिर भी उन परेशानियों को समझ के कर दिया गया और वह गए और सारी इंफॉर्मेशन लेके आए। तो एक टेस्ट था जिसे गुजरना पड़ा। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में अधिकृत नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रयास से अपने वृंद की आन बान एवं क्रीड़ा की शान के लिए इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक हैं। विश्वविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता 2019-20 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में सहभाग किया। वीरेंद्र प्रजापति जी को एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मशाल देते हुए, यह मशाल जो जलता है, जिसकी धुनी ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर होती है, यह बताती है कि कोई भी विद्युत देती है, यह वह शक्ति है जिससे आदमी आगे बढ़ जाता है। एक बार आगे बढ़ के तो देखो, हौसला बढ़ा के तो देखो, सारी दुनिया सिर पे चढ़ा लेगी आपको हाथों। अभी प्राचार्य जी ने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कुछ प्रकृति प्रदत्त होती हैं, कुछ अपने लोगों के बनाए हुए होते हैं। उनके लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। खेल, यदि आप खेल के भावना से खेलते हैं तो आप में संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य न खोएं, इसकी सीख आपको सबसे बढ़िया खेल से ही मिलता है। त्वरित निर्णय करने की क्षमता भी आपको खेल से मिलती है। तो पढ़ाई के साथ साथ यदि आप खेल में थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में जीवन में बहुत आपको कामयाब बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही उत्प्रेरक का काम करती है। मैडम ने कहा कि कौन से क्षण ऐसे थे जिसमें इतनी अच्छा सफलता मिली और उस सफलता से हमें खुशी हुई। उसके लिए कुछ भी नहीं, अनुशासन से अपनी मेहनत करें और अपने एक लक्ष्य
को दृष्टि में रखकर अपना प्रयास करें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, बहुत सर्दी है, धन्यवाद। बता रही है नियमों के लिए मैदान में छात्राएं दौड़ने के लिए तैयार। चार बच्चों ने अपने सामर्थ्य को समझा, वो दौड़ सकती हैं, दौड़ कहीं से प्रेरणा मिली हो, लेकिन जो उनका दृष्टिकोण होता है वही यह बताता है कि जाएगा। जो दौड़ने ही नहीं गया वो शायद बहुत कुछ खो रहा है। जीतना या हारना तो दूसरी बात है, लेकिन ये खुशी जो खेल के दौरान मिलती है, जो खेलते हैं आपस में, तो चाहे हार हो या ला रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए। और सबसे आगे निधि यादव प्रथम आ गई। एक और इनका क्या नाम है मैम, उठा लो। डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, प्रिंसिपल महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इसमें महाविद्यालय द्वारा बहुत बहुत बधाई और आपसे ज़्यादा आयोजित किया गया है। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और बैडमिंटन प्रतियोगिता है, फिर हैमर थ्रो है, तो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और जो भी छात्र पुरस्कार पाते हैं, विजयी होते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो विजयी छात्र होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग महाविद्यालय द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाती है? हाँ, खेल तो सदैव चलता रहता है, लेकिन एक वार्षिक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें ये प्रत्येक वर्ष एनुअल स्पोर्ट के रूप में मनाया जाता है।